हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मसाला टोस्ट सैंडविच। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मसाला टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में तेल गरम करने रखा था। तेल मेरा अच्छे से गरम हो गया। फिर मैंने एक अनियन को बारीक कट करके इस तरह डाल दिया है और दो हरी मिर्ची को भी मैंने बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। फिर यहाँ मैंने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक मिलाया है और हाफ़ टेबल स्पून में इसमें हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून में इसमें लाल मिर्ची पाउडर मिला रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बॉईल आलू मिलाएंगे। मैंने दो आलूओं को बॉईल करके रखा था। इसे हम मैश करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू मिलाने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ी सी हरी धनिया हम ऊपर से डालेंगे। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए, हमारी मसाला टोस्ट सैंडविच का मसाला रेडी हो गया है। यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब इसमें हम अच्छे से बटर लगाएंगे दोनों स्लाइस पर। अब इसमें हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। ये ग्रीन चटनी मैंने हरी मिर्ची और धनिया और नमक डालकर मैंने इसे पीसा हुआ था। आप चटनी अपने हिसाब से लगाइए। अगर आप बहुत तेज़ खाते हैं, तीखा खाते हैं, तो आप चटनी थोड़ी ज़्यादा लगाइए। अब जो हमने आलू का मसाला रेडी किया था, ये हम इसमें लगाएंगे। इसे अच्छे से हमें फैलाते हुए पूरी सैंडविच में लगाना है। अब इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। अब जो भी वेजिटेबल्स हमें पसंद है, हम ऊपर से इसमें रख सकते हैं। यहाँ मैंने अनियन को गोल गोल कट किया है, ये मैं इसमें लगा रही हूँ। टोमेटो लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, बीट रूट लगा सकते हैं, और मैंने थोड़ी सी ककड़ी लगाई है। अब ऊपर से मैंने फिर से इसमें चाट मसाला डाला है। चाट मसाला से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें चीज़ ग्रेट करके ये भी लगा देंगे। अब इसे हम बंद कर देंगे और ऊपर जो है हम इसे में वापस से बटर लगाएंगे। अब इसे हम अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने एक पैन इस तरह गर्म करने रखा था। ये गर्म हो गया। इसमें अब हम टेस्ट सैंडविच को अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। दोनों साइड को अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट करना है। आप चाहे तो इसे टोस्टर में भी टोस्ट कर सकते हैं, बट मैं इस तरह के पैन में इसे टोस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, एकदम गोल्डन ब्राउन होकर मेरी सैंडविच रेडी हो गई है। अब इसे हम अच्छे से स्लाइस में कट कर लेंगे। इसे हमें बहुत ध्यान से काटना है, वरना फिर ख़राब हो जाता है। ये देखिए, मेरी सैंडविच बनके रेडी हुई है। ऊपर से हम इसे सेव डालकर अच्छे से इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप चाहे तो इसे में ग्रीन चटनी और बटर लगाकर भी आप इसे खा सकते हैं। मैं आपको एक स्लाइस उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, कितनी टेस्टी लग रही है, कितनी यम्मी लग रही है। आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ।